नमस्कार, आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मैं दिलीप। कदवा प्रखंड मुख्यालय में जिला पदाधिकारी प्रखंड मुख्यालय का लिया जायजा। क्या कुछ कहा जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा ने, आइए सुनते हैं इनके माध्यम से। नहीं, कोई समस्या नहीं है। हम लोग हर एक वेडनेसडे और थर्सडे को फील्ड विजिट करते हैं। उसी क्रम में आज कदवा ब्लॉक के ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। साथ में चूंकि मैं आया हूं तो अन्य जो हमारे यहां पे कार्यालय है, CDPO कार्यालय, CO कार्यालय, उनका भी निरीक्षण किया है और जो जो कार्य पेंडिंग है उसको तत्काल निराकरण करने के लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है। एक सप्ताह के बाद पुनः इसकी रिव्यू की जाए। सर, एक बार देखने के लिए मिलता है सर, शिक्षा जो कि स्कूल में सही समय पे टीचर नहीं आते सर। नहीं, जहाँ पर सही समय पे टीचर नहीं आते हैं वो जहाँ की जानकारी हमें मिलती है, या तो आप लोग के माध्यम से मिले या किसी अन्य माध्यम से मिले, तो वहाँ पर उनका निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और हम लोग के द्वारा भी, सभी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 2-3 स्कूल का विजिट किया जाता है और काफ़ी सुधरी है व्यवस्था। कल भी मैं गया था डंडखोड़ा में, तो वहाँ पर टीचर्स भी उपलब्ध थे और स्टूडेंट्स भी पढ़ाई कर रहे थे और अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। सर, एक ऐसा स्कूल है सर जो कि संडे को स्कूल खुलता है सर, कदवा प्रखंड में, कटलिया पंचायत में। इसके बारे में तो बहुत वार्ता हो चुकी है कि कई स्कूल हैं जो कि संडे के अतिरिक्त किसी अन्य दिन बंद होते हैं और संडे को खुलते हैं, उस पर राज्य स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। सर, जल नल योजना बहुत ही कदवा प्रखंड के अंतर्गत बहुत खस्ता हालत है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? जल नल योजना एक बहुत ही बड़ी योजना है और छोटे छोटे कमियों के कारण, जब जहाँ जहाँ मैं भी गया हूँ मैंने देखा है कि छोटे छोटी कमियों के कारण कई जगह जो है वो आपूर्ति नहीं की जा रही है। जो संवेदक हैं छोटे कमियों को, कुछ कमियों को 24 घंटे के अंदर, कुछ कमियों को 48 घंटे के अंदर उन्हें पूर्ण करने का उनके साथ अग्रीमेंट है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो भी कमी है उसका तत्काल निराकरण नहीं होता है तो जो संवेदक हैं उनका जो भी देय अमाउंट है उसमें से कटौती की जाए, और अगर उसके बाद भी नहीं करते हैं तो उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। निश्चित रूप से इसको हम लोग सुनिश्चित करें। सर, बहुत ऐसे लाभुक हैं जो कि इंदिरा आवास अब तक स्वीकृति नहीं हो पाया है, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आवास योजना के तहत अभी हम लोग जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को आवास योजना का लाभ भी मिला है। ये एक पोर्टल के माध्यम से होता है। पोर्टल में जो लोग भी अपनी एंट्री कर देते हैं, जैसे जैसे हम लोग को टारगेट मिलते जाता है हम लोग उसको करते जाते हैं। अभी भी पोर्टल में होंगे, टारगेट वहाँ से हम लोग का अनाउंस होता है, वो